हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ सफ़ीर रहमान और आप लोग देख रहे हैं आइए जानते हैं यूट्यूब चैनल। आइए जानते हैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग जिस बात को लेकर इतने दिन चिंतित थे, बहुत सारे दोस्त ने मुझे कॉमेंट्स भी किए थे, कॉल भी किए थे कि अभी जो हमारे एलोटेड स्टडी सेंटर है, क्या एलोटेड स्टडी सेंटर पर हमारे एग्ज़ाम होंगे या फिर दूसरे जगह पर होंगे। क्योंकि हमारा जो एलोटेड स्टडी सेंटर है, वो एलोटेड स्टडी सेंटर हमारे डिस्ट्रिक्ट में ना हमारे ब्लॉक में दिए गए हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दूसरे ब्लॉक में दी गई है। 150 किलोमीटर दूर जाकर स्टडी सेंटर पर क्लास करना है हमें। हम इतने दूर जाकर क्लास अगर कर भी लेते हैं तो एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे? अगर एग्ज़ाम 9 शुरू होंगे तो हम इतने सुबह को वहाँ पर पहुँच नहीं पाएंगे। अगर सुबह को निकलेंगे घर से, फिर भी हम 9 पहुँच नहीं पाएंगे तो बहुत ही परेशानी, बहुत ही दिक्कत होगी हमें। अगर हमारे एग्ज़ाम हमारा जो एग्ज़ाम सेंटर है वो हमारे ब्लॉक में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ना दिए जाए तो इस बात को लेकर 20 फरवरी 2018 को नियोस के तरफ से सभी स्टडी सेंटर पर एक नोटिस जारी कर दी गई है रीजनल सेंटर की तरफ से। मैं आप लोगों को वो नोटिस दिखा देता हूँ। अभी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बिहार के पटना से निकल कर आई है। बिहार पटना के जो रीजनल सेंटर है, रीजनल सेंटर से ये नोटिस जारी कर दी गई है। और यहाँ पर बताई गई है, प्रशिक डॉक्टर संध्या कुमार, क्षेत्रीय निदेशक सेवा में सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार, विषय डीएलएड प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम सत्र की सैद्धांतिक परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र का चयन एवं निर्धारण कर उसकी सूची उपलब्ध कराने का संबंध में। तो इसका जो विषय है, ये विषय ये है कि कहाँ पर एग्जाम सेंटर होगा। स्टडी सेंटर तो अलॉटेड कर दी गई है, लेकिन एग्जाम सेंटर कहाँ पर होगा उस बात को लेकर ये नोटिस जारी कर दी गई है। महाशय, डिटेल्स में अगर देखें, उपरोक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि मई अप्रैल 2018 में निर्धारित डीएलएड प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम सत्र की सैद्धांतिक परीक्षा हेतु संबंधित जिला मुख्यालय में प्रत्येक केंद्र पर 500 से 1000 परीक्षार्थियों हेतु परीक्षा केंद्र का निर्धारण कर उसकी सूची यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाए, ताकि ससमय एवं नियमानुसार परीक्षा कार्यक्रम संचालित किया जा सके। यहाँ पर बताई गई है कि अप्रैल महीने के अंदर ये नोटिस स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर को भेजने के लिए बोला है। रीजनल सेंटर से ये आई है कि जो जिले है, हर जिले के जो मुख्यालय है, मुख्यालय प्रत्येक केंद्र पर जितने सारे स्टडी सेंटर है, सभी स्टडी सेंटर पर ये नोटिस जारी करने के लिए आदेश दी गई है। और वहाँ पर यह भी बताई गई है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में या फिर आपके ब्लॉक में कितने एग्जाम सेंटर की ज़रूरत पड़ेंगे, 500 से 100 स्टूडेंट को लेकर या फिर शिक्षकों को लेकर। तो यह एक एग्जाम सेंटर में 500 से 1000 शिक्षकों को ले सकेंगे। तो इस हिसाब से आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके जो प्लेस है उस प्लेस में कितने शिक्षकों, कितने जो आपके एग्ज़ाम सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर की ज़रूरत पड़ेंगे, उस हिसाब से आपको अप्रैल महीने के अंदर एक सूची नियोज को भेजनी है, ताकि जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम अच्छी तरह से ले सके। क्योंकि जो पहले जो आप लोगों के एलोटेड स्टडी सेंटर थे, वो एलोटेड स्टडी सेंटर हमें जिस तरह से खबर मिली है कि डिस्ट्रिक्ट से, सभी डिस्ट्रिक्टों से सूची जारी नहीं की थी, इस वजह से क्या हुआ कि स्टडी सेंटर जो है वो बहुत ही जल्द में, और जिस तरह से बताई गई थी कि मशीन के गड़बड़ी से आप लोगों के जो स्टडी सेंटर है वो स्टडी सेंटर दूर हो गई थी। तो स्टडी सेंटर एलोटेड करने के बाद वक्त भी बहुत ही कम था, इसलिए आप लोगों के जो स्टडी सेंटर है वो स्टडी सेंटर चेंज नहीं किए। तो इसलिए इस बार बहुत ही जल्द सभी जो स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर को ये जो नोटिस है, ये नोटिस जारी कर दी गई है कि आप लोगों के जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में कितने स्टडी सेंटर की ज़रूरत पड़ेंगे, सॉरी कितने एग्जाम सेंटर की ज़रूरत पड़ेंगे, उसकी एक सूची हमें भेज दे, ताकि हम जो शिक्षक नियोस में एडमिशन कर चुके हैं वो शिक्षकों के जो एग्ज़ाम सेंटर हो वो उसी शिक्षक के ब्लॉक में या उसी शिक्षक के डिस्ट्रिक्ट में आए। अंत अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक निर्देश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिया जाए, ताकि ये परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपादित हो सके।
तो यहाँ पर भी बताई गई है कि वक्त के अंदर जो निर्धारित वक्त दी गई है उस निर्धारित वक्त के अंदर आप लोगों को एसओसी न्यूज़ को भेजनी है ताकि निर्धारित वक्त के अंदर एग्जाम भी खत्म हो सके। स्मरणीय है कि डीएलएड अध्ययन केंद्र की परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर बताई गई है कि डीएलएड अध्ययन केंद्रों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जा सकता। अभी आप लोग जहाँ पर स्टडी सेंटर है आप लोगों के, अब जहाँ पर पीसीबी क्लास कर रहे हैं वहाँ पर सिर्फ आप लोग क्लास ही करेंगे, एग्जाम आप लोगों के वहाँ पर नहीं होंगे। आप लोगों के जो एग्जाम है वो एग्जाम आप लोगों के एग्जाम सेंटर अलग से दिया जाएगा। ये एग्जाम सेंटर आप लोगों के, तो यहाँ पर जिस तरह से बताई गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद तो ये है कि आप लोगों के ब्लॉक में या आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट में ही आएगा आप लोगों के जो एग्जाम सेंटर है वो एग्जाम सेंटर। तो अभी आप जहाँ पर पीसीबी क्लास कर रहे हैं पीसीबी क्लास वहाँ पर सिर्फ पीसीबी क्लास ही होंगे, बाकी जो एग्जाम है वो आपके स्टडी सेंटर पर एग्जाम नहीं होंगे। अनुलग्न जिला भर प्रशिक्षु शिक्षकों की संख्या, तो यहाँ पर देखिए भवदिया डॉक्टर संध्या कुमारी उनका हस्ताक्षर फिर यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये बिहार पटना के जो रीजनल सेंटर है रीजनल सेंटर से ये नोटिस जारी कर दी गई है। तो सभी स्टेट के रीजनल सेंटर होते हैं, सभी स्टेट के रीजनल सेंटर में इस तरह की नोटिस जारी कर दी गई है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप कॉमेंट बॉक्स पर जाके आप पूछ सकते हैं। साथ ही अगर हो सके तो आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स को व्हाट्सएप फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से शेयर करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह की हर दिन मैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो लेकर फिर से हाजिर होने की उम्मीद के साथ यहीं पर विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।